अस्सलाम वालेकुम। आज हम लच्छेदार आलू के पराठे तैयार करेंगे, जिसके लिए 5 बड़े आलू मैंने ले लिए हैं, उसको बॉयल कर लिया है अच्छा सा। और ये मेरे पास छोटे बड़े हैं इसलिए ज़्यादा लग रहे होंगे आपको, लेकिन 5 बड़े आलू का हिसाब किताब है ये। 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट है, एक छोटा टमाटर था इसको बिल्कुल बारीक बारीक मैंने कट कर लिया है बिल्कुल बारीक, और एक छोटी प्याज थी इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। हरा धनिया है 1 बड़ा चम्मच, 1/2 लेमन है। मसालों में इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून अदरक का पाउडर है, 1 टीस्पून हरी मिर्च कुटी हुई लाल मिर्च है, और 1 टीस्पून नमक है। नमक आप लोग अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। सबसे पहले आलू को हम मैश कर लेंगे। आलू मैश हो गए हैं, अब तमाम ड्राई मसाले जात इसमें ऐड किए जाएंगे। अदरक का पाउडर बताती चलूँ, आप बढ़ा भी सकते हैं थोड़ा बहुत। अदरक चूंकि हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है, तो पराठे चूंकि भारी होते हैं इसलिए अदरक का पेस्ट आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। हरी मिर्च का पेस्ट, टमाटर, प्याज, हरा धनिया, लेमन जूस, बस इसको मिक्स कर लेना है हमने। ये मैं माजर चाह रही हूँ आपको, मैंने अदरक का पेस्ट बोल दिया है मैंने, जबकि पाउडर यूज किया है। अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं मैंने, लेकिन पाउडर डाला है। इसको अच्छा सा तमाम मसाले जात को इसमें मिक्स कर लेना है, तो फिलिंग हमारी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अब हमने 2 दरमियाने साइज के पेड़े लेने हैं, ना बहुत छोटे ना बहुत बड़े, हमने 2 दरमियाने साइज के पेड़े ले लिए हैं। इसको हमने इन पे बल दे के इसका पेड़ा दोबारा बनाना है। दोनों की पहले हमने ये इस तरह हाथ से बना लेना है। ये दोनों बन गए, अब हमने इसके पेड़े बल वाले बनाने हैं। अब हमने इसको बेल लेना है। ना बहुत ज्यादा बारीक ना बहुत ज्यादा मोटी, नॉर्मल जैसे हम चपाती के लिए बेलते हैं उतना ही हमने इसको रखना है मोटा। इसके बाद इसमें मैंने, मेरे पास ये मार्जरीन है वो लगा रही हूँ, आप लोग मक्खन जो भी हो आपके पास वो लगा सकते हैं, घी हो तो घी लगा लें, मक्खन है तो मक्खन लगा लें। इसको अब हम बल देंगे, बारीक बल देने की कोशिश करनी है, जितने बारीक बल आए इस तरह हमने बारीक बल दे देने। दोनों साइड से हमने लंबा कर लिया इसको, अब हमने इस तरह इसको बल देना है। ये एक पेड़ा तैयार हो गया है हमारा, इसी तरह दूसरे का भी पेड़ा हमने तैयार कर लेना है। अब इस पेड़े का दोबारा हमने इसकी चंगेरियां बना लेनी है हाथ की मदद से, और इसको फिर बेलने से हमने हल्का सा बेलना है, बहुत ज़्यादा पतली रोटी में नहीं बेलना है इसको। देखिए इतनी मोटी हमने ये रोटी बेलनी है, और इसी तरह हमने दूसरी भी पहले रोटी तैयार कर लेनी है। अब जो हमने अपनी आलू की फिलिंग तैयार की थी वो हम इसमें लगा देंगे। रोटी में आप लोगों को बता चुकी हूँ कितनी मोटी मैंने बनाई है। अगर आपके यहाँ नमक मिर्च तेज खाई जाती हो तो आप लोग इसमें और हरी मिर्च या कुटी हुई लाल मिर्च का इजाफा कर सकते हैं। वैसे चूंकि इसमें हरी मिर्च भी डली हुई होती है तो ये अच्छी खासी मिर्ची वाला हो गया है।
इस तरह हमने पूरे आलू इसमें फैला देने। अब दूसरी रोटी इसके ऊपर हमने रखनी है। इस तरह से हाथ से हमने इसको दबा भी देना है किनारे, ताकि ये खुले ना, ताकि आलू बिखरे ना इससे। बस इसको हमने हाथ से थोड़ा सा इस तरह हमने बेलना है और इसको तवे पे डाल देना है। खूब अच्छे आलू की फिलिंग के साथ ये आलू का पराठा तैयार होता है। एक साइड थोड़ी सी पक गई है, हमने इसको पलट दिया है। इसके ऊपर हम तेल लगाएंगे। आप लोग चाहें तो इसके ऊपर भी घी या मक्खन लगाया जा सकता है। भाई ये नीचे से भी थोड़ा सा हो जाए तो फिर हम इसको पलटेंगे, उस साइड पे भी तेल लगा लेंगे। जी नाजरीन, पराठा हमारा दोनों तरफ से अच्छा सा सिक गया है और ये बस बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। बस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। We'll be right back.